दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर एनआईएस डीएलएड के वीडियो लेक्चर में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, जहां पर कि हम लोग कोर्स 504 और 505 का सारा जो ट्यूटोरियल है वो देखते हैं। अगर आपने पहले का वीडियोज नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जहां से कि आप कोर्स 504 और 505 के सारे वीडियोज देख सकते हैं। आज हम लोग जो यहां पर देखेंगे वो कोर्स 505 में देखेंगे, और जिसमें कि हमारा टॉपिक होगा एनसीएफ 2005 के विशेष संदर्भ में प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षण अधिगम का क्षेत्र। तो एनसीएफ 2005 में जो प्राथमिक शिक्षक यानी कि प्राइमरी एजुकेशन के बारे में जो बोला गया उसका क्षेत्र क्या है, प्राइमरी एजुकेशन में जो मेनली इन्वायरमेंटल साइंस के बारे में पर्यावरण शिक्षण के बारे में जो बोला गया उसका क्या क्षेत्र है एनसीएफ 2005 के अनुसार से। एनसीएफ 2005 के बारे में हमने इससे पहले भी पढ़ा था एनसीएफ 2005 का उद्देश्य, अब इसका क्षेत्र हम लोग देखेंगे। तो एनसीएफ 2005 आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एनसीएफ 2005 से पूर्व प्रारंभिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के प्रति यह आलोचना की जाती थी कि यह अन्य विषयों की कक्षाओं से अधिक अलग नहीं थे। एक प्रकार से ये एक तरफी प्रक्रिया थी, बच्चे कक्षा में निष्क्रिय बैठकर तथा शिक्षक से सूचना प्राप्त करके पर्यावरण के बारे में सीखते थे। तो जब एनसीएफ 2005 बेसिकली आया था उससे पहले ये धारणा थी मन में कि ये जो है पर्यावरण अध्ययन कोई अलग से कुछ है नहीं है, मतलब इसमें क्या है कि शिक्षक के द्वारा कुछ बताया जाता है और बच्चे उसको बस सुनते हैं, इसको लोग अपने रियल लाइफ से अपने आसपास के जीवन से और प्रैक्टिकली इसे नहीं जोड़ पाते थे। तो इसकी तुलना मग तथा जग मॉडल से की जाती है, जिसमें बच्चे मग की तरह होते हैं जिसमें जग रूपी शिक्षक सूचनाएं डालते हैं। तो मतलब सूचनाएं डालते जाते हैं और जो है मग में वो चीज़ बस जाते जाता है, बच्चों को छानबीन क्रियाकलाप में नहीं लगाया जाता। जिनके प्रेक्षण करके तथा अपने अनुभवों के साथ जोड़कर प्रयोगों में लगाकर तथा समझकर वस्तुओं को अलग अलग रखकर संबंध समझने से सीखा जाता है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य की प्राप्ति बहुत सी कक्षाओं में नहीं हो पाती थी। तो मेनली हमने पहले भी देखा था पर्यावरण अध्ययन के बारे में कि ये बस एक आपके विषय वस्तु तक और आपके प्रश्न पत्र तक रह के नहीं रह जाता है, ये हर एक चीज से जुड़ा हुआ है जो कि आपके आसपास घटित होता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से या मानव निर्मित रूप से जो भी चीज़ें आपके आसपास जुड़ी हुई है वो हर एक चीज़ आपके पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत आती है। और अगर इसे एक्चुअली सही तरीके से पढ़ाया जाए और बताया जाए तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्योंकि इससे आप रिलेट कर पाएंगे अपने हर एक सेकेंड के जीवन को। आगे अगर इसमें देखें तो पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य जैसा कि एनसीएफ 2005 में लिखा गया है वो यह है कि बच्चे का उनके वास्तविक संसार प्राकृतिक एवं सामाजिक दोनों जिसमें कि वो रहते हैं उससे सामना करवाया जाए। तो बच्चे का जो रियल लाइफ है, चाहे वो प्राकृतिक लाइफ है जो कि गॉड गिफ्टेड है जो प्रकृति के द्वारा है, और सामाजिक है जो कि सामाजिक की संस्कृति है, समाज का वातावरण है, समाज का व्यवहार विचार है, समाज की बोलचाल की जो भाषा है, जितनी भी चीज़ें समाज से जुड़ी हुई और प्रकृति से जुड़ी हुई है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा था कि मानव निर्मित और प्राकृतिक ये दोनों चीज़ों का सम्मेलन है, और इससे जो है बच्चों का सामना करवाया जाए, बच्चों को रूबरू करवाया जाए इन चीज़ों से, ताकि वे इसका विवेचन एवं मूल्यांकन कर सकें तथा पर्यावरण संबंधी समस्याओं एवं मुद्दे के प्रति अपनी समझ बना सकें। तो उसका जब आप बच्चों को उससे रूबरू करवाएंगे, बच्चों को उससे परिचय करवाएंगे, तब जाके बच्चों के दिमाग में एक धारणा आएगी और उससे जो है बच्चा उसका अवलोकन कर पाएंगे और उस मुद्दों को समझ सकेंगे और अपनी एक अंडरस्टैंडिंग उसके लिए बना पाएंगे। जहाँ तक संभव हो पर्यावरण से संबंधित उनकी समझ बढ़े, ये हमें जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए। पर्यावरण से जुड़ी सकारात्मक क्रियाकलाप करें ताकि सतत विकास की ओर अग्रसर हो। तो यहाँ पर दो तरीके की बातें हैं कि पर्यावरण के नज़रिए से आपका इंटेंशन क्या है, आप बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। तो अगर आप सकारात्मक क्रियाकलाप करेंगे और बच्चों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे तो वो भी सतत विकास की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे। एनसीएफ 2005 पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का समर्थन करते हुए इस बात पर जोर देता है कि इससे बच्चों में अपने पर्यावरण के प्रति जागरूकता एवं समझ बढ़ानी है, एक संपूर्ण दृष्टिकोण को बनाने की क्षमता का विकास करना है तथा इसकी सुरक्षा तथा प्रबंधन के लिए अपना योगदान देना है। यह निश्चय और भी महत्वपूर्ण हो जाता है
क्योंकि संसार तेजी से पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण की ओर जागरूक हो रहा है और हमें होना भी है, क्योंकि अगर हम पर्यावरण संरक्षण नहीं करते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा नहीं करते हैं, तो हमारा आने वाला जीवन काफ़ी कठिन होने वाला है। और यहाँ पर सबसे पहले पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आखिर हमें पर्यावरण की सुरक्षा कैसे करनी है, क्या चीज़ यहाँ पर महत्वपूर्ण है। आगे अगर इसमें देखें तो उपयुक्त उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरण अध्ययन को 3 व्यापक नियमों के अनुसार संचालित किया जाता है। पहला है कि पर्यावरण के बारे में सीखना, दूसरा है पर्यावरण के माध्यम से सीखना, और पर्यावरण के लिए सीखना। ये तीनों चीज़ें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इसे आप नोट करें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पर्यावरण के बारे में सीखना कि पर्यावरण आखिर है क्या, इस बारे में जानना, इस बारे में सीखना, वो सबसे पहले महत्वपूर्ण है। उसके बाद है कि पर्यावरण के माध्यम से सीखना। अब यहाँ वहाँ यह क्या हुआ कि जो आपके आसपास का पर्यावरण है उससे आप सीखेंगे, जो आपके आसपास प्राकृतिक रूप से कुछ घटित होती है या मानव निर्मित तरीके से जो वहाँ की संस्कृति है, जो वहाँ पर जो चीज़ें होती है, उससे आप अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे। तो वो पर्यावरण के माध्यम से, थ्रू द पर्यावरण, आप वो चीज़ सीख रहे हैं। तीसरा है कि पर्यावरण के लिए सीखना। इसमें क्या होगा कि आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं वो पर्यावरण के लिए सीखेंगे कि इससे हम किस प्रकार से पर्यावरण का भला कर सकते हैं, पर्यावरण की सुरक्षा कर सकते हैं या पर्यावरण का संरक्षण कर सकते हैं। तो यहाँ पर हो गया पर्यावरण के लिए सीखना, तो पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, ये तीनों चीज़ें यहाँ पर पर्यावरण में काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये बात जो है यहाँ पर NCF 2005 में 3 व्यापक नियमों के तौर पे कही गई थी, इसे आप जरूर नोट कर लीजिएगा और ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है। अगर आपको NCF 2005 के बारे में पूछा गया तो आपको लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी आपको ये लिखने के लिए आ सकता है। आगे अगर इसमें देखें तो इसलिए पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र काफी व्यापक है। इसका विस्तार पर्यावरण को सीखने के माध्यम की तरह प्रयोग करने से लेकर इसकी सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए क्या किया जा सकता है वहाँ तक है। तो इसका जो है प्रयोग भी करना है सबसे पहले, उसके बाद इसके लिए, इसके संरक्षण के लिए क्या करना है वो भी जानना काफ़ी जरूरी है। इसकी विषय वस्तु की कुंडलीकार व्यवस्था बच्चे के आसपास के परिचित अनुभवों से शुरू होकर बाहरी अपरिचित परिचित दुनिया तक चलती है। तो सबसे पहले तो बच्चे जिस संसार में रहते हैं, जिस वातावरण में रहते हैं, वो वातावरण को जानना वहाँ पर काफ़ी ज़रूरी है। उसके बाद वहाँ से निकल के बाकी वातावरण को, बाकी चीज़ों को, बाकी जगहों को और दुनिया के अलग अलग चीज़ों को, जो चीज़ अभी की उनसे अपरिचित है, वहाँ तक भी जानना पर्यावरण के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह कुछ ऐसे कारकों का विश्लेषण भी हो जाता है जो कि इस ग्रह पर जीवन को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण अध्ययन का केंद्र व्यक्तिगत से राष्ट्रीय तथा भौगोलिक की ओर तथा भौतिक से सौंदर्य परक आयामों की ओर बढ़ता है। आगे अगर इसमें देखें तो NCF 2005 में पर्यावरण अध्ययन की धारणा यह है कि बच्चा अपनी दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में जीवन की असली परिस्थितियों से वास्तव में सम्मिलित हों तथा उन्हें समझे। तो जो दिन प्रतिदिन जो एक्टिविटीज़ होती है, जो आसपास चीज़ें घटित होती है, उससे जो है बच्चे समझें और उस चीज़ों को अपने रियल लाइफ में जो चीज़ हो रहा है वहाँ से, जो टॉपिक है, जो पर्यावरण बेसिकली जो आप पढ़ाते हैं, वहाँ से उन सब चीज़ों को रिलेट भी कर सकें। और सीखने की इसी पद्धति को करके सीखना बोलते हैं, मतलब पहले आप किसी चीज़ों को करते हैं उसके बाद उससे सीखते हैं। तो पर्यावरण से आप जुड़े होंगे, उसके लिए क्रियाकलाप करेंगे, वहाँ से आप सीखेंगे, तो इस पद्धति को करके सीखना बोलते हैं, जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि बच्चे अपने पर्यावरण से सीधे संपर्क साधकर अपनी समझ एवं ज्ञान का निर्माण सक्रियता से करते हैं। इस पद्धति में बच्चे अपने नए ज्ञान का निर्माण जो वे पहले से जानते हैं उससे नई सूचना जोड़कर करते हैं। इससे जो पहले से ज्ञात है, जैसे कि निकटस्थ पर्यावरण, मतलब जो अपना आपका परिवार है और आपका समाज है वो है, और जो मान लीजिए कि आपसे अज्ञात है, जो आपका समुदाय है या राष्ट्र है, संसार है, हर एक चीज़ यहाँ पर सम्मिलन होता है और इस सबों के बारे में यहाँ पर ज्ञान का निर्माण होना काफ़ी आवश्यक है। इस प्रकार पर्यावरण अध्ययन का शिक्षण अधिगम केवल प्राथमिक स्तर का अध्ययन क्षेत्र नहीं है, बल्कि पर्यावरण से मित्रतापूर्ण अभिवृत्तियों, मूल्यों, आदतों एवं व्यवहारों को विकसित करने की प्रशिक्षण भूमि है। कोई पर्यावरण अध्ययन को इस प्रकार वर्णित कर सकता है, इस प्रकार बता सकता है कि यह एक सतत समाज का निर्माण करने हेतु स्थायी निवेश है,
तो जब आप समाज में अग्रसर होना चाहते हैं, समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हर क्षेत्र में समाज से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उसमें आप जो है एक बहुआयामी स्तर पर इसे ले जाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको पर्यावरण अध्ययन का ज्ञान काफ़ी ज़रूरी है। और इसलिए पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र सिर्फ बच्चों को अपने पर्यावरण की खोज करने के लिए समझना नहीं है, बल्कि सकारात्मक अभिवृत्तियों, मूल्यों एवं प्रथाओं जैसी, जैसे कि धरती पर जीवन की रक्षा, प्यार, अपने और दूसरे को की देखभाल करना, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, सामूहिक अधिगम की प्रशंसा करना, अपनेपन का भाव दिखाना, सामाजिक दायित्व को संभालना, संस्कृति के महत्व को समझना, इन सब चीज़ों का विकास करना हमारे पर्यावरण में आता है। तो जो चीज़ें अभी तक हम समझ रहे थे कि जो पर्यावरण हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो फल फूल हैं, बस वो पर्यावरण, ऐसा नहीं है। हम जो व्यवहार करते हैं वो भी हमारा पर्यावरण ही है, जो कि हम अपने आसपास घटित होने वाले चीज़ों से सीखते हैं। पर्यावरण की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए सकारात्मक तथा अनुकूल क्रियाओं की शुरुआत करना काफ़ी जरूरी है। संरक्षण की नीतियों को बढ़ावा देना तथा पर्यावरण को बढ़ावा देने वाले स्वभावों एवं आदतों को अपनाना, जो चीज़ें पर्यावरण को बढ़ावा देती है उसे अपने आदतों में डालना, उसे अपने व्यवहार में, स्वभाव में डालना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो प्रगति जाँच परीक्षा है जिसमें कि क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन 3 मुख्य उद्देश्यों का पालन करता है, वहाँ वो 3 मुख्य उद्देश्य क्या क्या हैं। तो अभी जस्ट हमने यहाँ पर देखा वो 3 मुख्य उद्देश्य कि पर्यावरण के बारे में सीखना, पर्यावरण के माध्यम से सीखना और पर्यावरण के लिए सीखना, ये तीनों आपका यहाँ पर होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ सकता है और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकता है। और आगे अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का उचित वर्णन करें, जो आपको मान्य हो उस पर टिक लगाएं। तो इसमें कई अध्ययन क्षेत्र सम्मिलित हैं, तो बिल्कुल ये बात है। दूसरा है कि ये बाल केंद्रित हैं, तो हाँ ये बाल केंद्रित हैं, इससे जो है बच्चों को सीखने को मिलता है और बच्चे के सीखने से लेकर इसके रियल लाइफ पर्यावरण को जोड़ने के लिए भी ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी पद्धति सृजनात्मक है, सही बात है। यह शिक्षण पर आधारित है, सही बात है। यह अनुभव प्रधान है, हाँ यह अनुभव प्रधान भी है। और यह अधिगम आधारित है, तो बिल्कुल ये आप जिस प्रकार से सीखते हैं उस पर भी ये आधारित है। तो यहाँ पर जो है पर्यावरण अध्ययन का जो क्षेत्र है वो काफ़ी व्यापक है और उसमें कई चीज़ें आपके सामने आती है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दोस्त अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर हमारा जो इकाई है ख़त्म होता है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट इकाई में जाएंगे, जहाँ पर कि हम लोग नेक्स्ट इकाई में पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं के शिक्षण और शास्त्रीय विचार को देखेंगे। उसमें पर्यावरण अध्ययन की विशेषताएं और बच्चे कैसे सीखते हैं, तरह तरह की चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो अगले वीडियो के लिए आप बिल्कुल तैयार रहिए और अभी तक अगर कोई वीडियो आपने छोड़ा है तो उस वीडियो को जरूर यहाँ पर आप देखिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए कोई सुझाव या सलाह है तो। और साथ ही साथ जो लोग यहाँ पर चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे में आपको रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख जाएगा, वहां से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन आएगा या टर्न ऑन नोटिफिकेशन का बटन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मोबाइल पर मिल जाएगी, ताकि आपसे कोई वीडियो छूटे नहीं। मिलते हैं नए वीडियो में, दीजिए इजाजत, बाय बाय, जय हिंद।